नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। भारत में COVID-19 की दवा को ट्रायल की मंजूरी, दो दवाएं शामिल। ट्रायल कामयाब रहा तो कोरोना के इलाज का खुलेगा रास्ता। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जारी किया कठोरता सूचकांक, भारत के उठाए गए कदमों की सराहना। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया प्रवासी राहत मित्र ऐप, प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं में मिलेगा लाभ। अटल पेंशन योजना ने पूरा किया सफलता का 5 वर्ष, 9 मई 2015 से की गई थी शुरुआत। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से COVID-19 के मुकाबले के लिए दो दवाओं फेवीपिराविर और साइटोफार्मास्यूटिकल के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। CSIR के मुताबिक इसमें से एक दवा फेवीपिराविर एक सुरक्षित दवा है, इसलिए इसका परीक्षण सीधे फेज 2 में किया जाएगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि फेवीपिराविर एक पुरानी दवा है जिसका पेटेंट अब खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी दवा साइटोफार्मास्यूटिकल का पहले से डेंगू के इलाज में सफल प्रयोग किया जाता रहा है। अब इस दवा का COVID-19 के खिलाफ इसके प्रभाव की जांच की जाएगी। CSIR के महानिदेशक शेखर मंडे ने उम्मीद जताई कि फेवीपिराविर का ट्रायल 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CSIR कई प्रसिद्ध दवा कंपनियों के साथ काम कर रहा है। CSIR ने बताया कि यदि ट्रायल कामयाब रहा तो कोरोना के इलाज का रास्ता खुल जाएगा और सस्ते में दवा उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना वायरस से लड़ाई में दुनिया के कई देश लगे हुए हैं, लेकिन इसके इलाज में कारगर दवा की खोज अभी तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। आपको बताते चलें कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। इसका वित्तीय प्रबंधन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। फिर भी यह एक स्वायत्त संस्था है जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसका पंजीकरण भारतीय सोसाइटी पंजीकरण की धारा 1860 के अंतर्गत किया गया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने विभिन्न देशों द्वारा COVID-19 महामारी के प्रसार और उठाए गए कदमों के लिहाज से कठोरता सूचकांक तैयार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वह देश है जिसने अन्य देशों की तुलना में समय रहते ही लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू जैसे कठोर कदम उठाए। कठोरता सूचकांक को दरअसल एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है जिसमें विभिन्न देशों में हुई मौतें और उनके कठोरता अंक से संबंध दिखाया गया है। इस सूचकांक में कठोरता मापने के लिए 0 से 100 तक पैमाना है, जिसके अनुसार जिस देश का अंक जितना अधिक होगा उस देश की कठोरता का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाएगा। सूचकांक के लिए ऑक्सफोर्ड COVID-19 सरकारी प्रक्रिया नामक ट्रैकर यानी ऑक्सफोर्ड COVID-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर का उपयोग किया गया है। इस ट्रैकर में सरकारी प्रतिक्रिया के 17 संकेतकों के डाटाबेस तैयार करने वाले ऑक्सफोर्ड के तकरीबन 100 सामुदायिक सदस्य शामिल थे। इन संकेतकों में उन नीतियों के विषय में जानकारी दी गई है जिनका प्रयोग विभिन्न सरकारों द्वारा महामारी को कम करने के लिए किया गया है। इन नीतियों में विद्यालयों और कार्यालयों का बंद करना, सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाना, सार्वजनिक परिवहन को प्रतिबंधित करना, सेल्फ क्वारंटाइन का आदेश इत्यादि शामिल है। अब आइए देखते हैं कि भारत के विशेष संदर्भ में यह सूचकांक क्या कहता है। आपको बता दें कि महामारी के प्रारंभिक चरण में भारत ने कठोरतम तालेबंदी की। इससे सूचकांक में भारत को 22 मार्च से 100 अंक दिए गए। 20 अप्रैल को भारत ने अपने रेड जोन वाले क्षेत्रों में
कुछ क्षेत्रों में कार्यस्थलों के लिए अपने प्रतिबंधों में थोड़ी थोड़ी ढील दी जाने लगी। इस सूचकांक के अनुसार विश्व के तकरीबन 18 देश में जब कठोरतम तालेबंदी की गई तो उस समय वहां 500 से अधिक मामले हो चुके थे, जबकि इस समय तक भारत में केवल 320 मामले ही थे। इस सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार भारत अन्य देशों की तुलना में मजबूत स्थिति में था। भारत के अलावा भारत के ही समान स्थिति प्राप्त देशों में होंडुरास, अर्जेंटीना, जॉर्डन, लीबिया, श्रीलंका, सर्बिया और रवांडा इत्यादि शामिल थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 8 मई को प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया। इसे राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से विकसित किया गया है। इस ऐप से प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारी जैसे कि उनका नाम, अस्थायी और अस्थायी पता, बैंक खाते की जानकारी, कोरोना स्क्रीनिंग की स्थिति और उनके कार्यानुभव को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आश्रय गृह में रह रहे लोगों से जुड़ी पूरी जानकारी और प्रवासियों को दी गई सरकारी मदद की जानकारी भी इस ऐप में उपलब्ध होगी। इस ऐप की एक खास बात ये है कि इसे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी उपयोग किया जा सकता है। इसके डुप्लीकेशन से बचाने के लिए सरकार ने यूनिक मोबाइल नंबर को आधार बनाया है। इसके साथ ही प्रभावी निर्णय लेने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों में विवरण को भी इस ऐप को अलग अलग दर्ज किया जाएगा। डाटा संग्रह का काम जिलाधिकारी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्र में CDO और पंचायती राज विभाग के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना यानी APY ने सफलता के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के वृद्धावस्था आय सुरक्षा देने और 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया था। इस योजना को पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया गया था, जिसमें पुरुष और महिला भागीदारों का अनुपात 57 और 43 का था। शुरुआत के 2 वर्षों में तकरीबन 50 लाख नाम दर्ज किए गए थे, जो तीसरे वर्ष 100 लाख और चौथे वर्ष यह संख्या करीब 1.50 करोड़ पहुंच गई थी। बीते वित्तीय वर्ष में 70 लाख नए भागीदारों के साथ 9 मई 2020 को यह संख्या 2 करोड़ 23 लाख से ऊपर पहुंच गई। APY को 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक ले सकता है। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्राप्त करता है। ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी को आजीवन पेंशन की गारंटी दी जाती है और अंत में दोनों ग्राहकों की मृत्यु की स्थिति में पति या पत्नी पेंशन की पूरी राशि नामित व्यक्ति को भुगतान कर दी जाती है। अटल पेंशन योजना का प्रबंधन करने वाले पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय हैं। PFRDA संसद के एक कानून द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS और पेंशन योजनाओं की क्रमिक वृद्धि को विकसित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने का काम करती है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा 9 मई 2020 को चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता और साथ काम करने वाले लाखों लोगों के सम्मान में 9 मई 2020 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल के एक शीर्ष अधिकारी अतुल खरे के प्रयासों से यह स्मारक टिकट जारी हो पाया है।
गौरतलब है कि 1980 में 33वीं स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी कर विश्व के सभी लोगों के चेचक से मुक्ति पाने का दावा किया गया था। यह WHO के 10 वर्षों के वैश्विक प्रयास के बाद संपन्न हो पाया, जिसमें हजारों स्वास्थ्यकर्मियों ने 50 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में एक आभासी मंच के माध्यम से ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया, जिनका उद्देश्य COVID-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की समस्याओं को दूर करना है। COVID-19 के मद्देनज़र देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की तिथि 15 जून तक कर दी गई है। इसकी प्रारंभिक तिथि 30 अप्रैल 2020 को सुनिश्चित की गई थी। आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर साल गांधी शांति पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्था को दिया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों को अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया हो। भारत सरकार ने यह पुरस्कार 1995 में गांधी जी के 125वें जन्मदिवस पर प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1995 में प्रथम गांधी शांति पुरस्कार तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर NS धर्मशक्तु और संस्थागत श्रेणी में कुष्ठ मिशन ट्रस्ट को प्रदान किया। कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों से घिरा चीन इस महामारी में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले एक हफ्ते में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें चीन के जवानों ने अपनी सीमा पार करने की हिमाकत की है, जिसका माकूल जवाब भी भारतीय सैनिकों द्वारा दिया गया। पहले नॉर्थ सिक्किम सेक्टर में चीन के जवानों ने भारतीय सैनिकों को उकसाया। इसके बाद लद्दाख में भी चीन बाज नहीं आया। उसने 150 सैनिकों के साथ भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। इसके बाद लद्दाख में ही चीन ने अपनी हवाई ताकत दिखाने की कोशिश की, जिसको देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट भी सीमाई क्षेत्र में पहुंच गए हैं और चीन के इस प्रयास को विफल कर दिया है। कोरोना के प्रयास और लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। इससे इकोनॉमी को उबारने के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने यह मांग की है कि विभिन्न सरकारी भुगतानों और रिफंड में फंसे 2.5 लाख करोड़ रुपये तुरंत जारी कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री से इनोवेशन, इंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में आए मौजूदा व्यवधान के बीच उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक आत्मनिर्भर कोष बनाने पर जोर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।